आप सभी गेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं तो इस पुस्तक को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। आपके प्रत्येक परीक्षा में कम से कम ये 50% के सिलेबस इतिहास व संस्कृति का 100% कवर करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आगे भी आपके काम आने वाली, इसलिए इस पुस्तक को ज़्यादा वरीयता दें। अब पाठ अपन शुरू करते हैं। अध्याय 5, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। तो अपन देखते हैं चित्रकला किससे क्या तात्पर्य, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित हैं थी, वरन ये चित्र कागज, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा में ये दोनों स्थल हैं, बैराट जयपुर में, दर भरतपुर में नामक स्थानों से शैल आश्रयों गुफाओं के आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इडर में चित्रित शैल आश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है, यहाँ आपको ये चित्रित ग्रंथ हैं, 1060 ईस्वी में रचित ओद नियुक्ति वर्ती एवं 10 वैकालिका सूत्र सूरणी जैसलमेर भंडार में मिले। तो देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न बनता है, सबसे प्राचीन चित्र है वह जैसलमेर भंडार से मिले। अब देखो आगे, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़, जो अजंता चित्रशैल मेदपाट कहा जाता है, जिसको अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव में जैन, गुजरात, अपभ्रंश का प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होगा। उसके बाद में आप देखते हो यहाँ पर, किंतु बाद की जो शैली उस पर किसका प्रभाव होता है, मुगलों का प्रभाव होता है। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। अच्छा प्रश्न बनता है, किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है इनकी, नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओशी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। W.S. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। राय कृष्ण दास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो राजस्थानी किसने दिया था, राय कृष्ण दास ने। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिसमें मेवाड़ पर डॉक्टर मोती चंद्र श्रीधर अंधारे, ये मेवाड़ से हैं, डॉक्टर आर के वशिष्ठ, ये भी मेवाड़ से, किशनगढ़ एरिक डिक्सन फयाज अली, किशनगढ़ से संबंधित कौन है अपन देखते हैं, एरिक डिक्सन और उसके बाद में फयाज, ये किससे संबंधित है, किशनगढ़ से संबंधित। बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र W.C. आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख हैं। अब अपन देखते हैं क्या विशेषता है, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल में अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का संजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है।
राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अंकन किया। अब आगे देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का संजीव चित्रण प्रस्तुत चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली। अब है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण है, कितने भागों में अपन देखते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर चार वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन सी आती है? चावंड आती है, उदयपुर आती है, नाथद्वारा, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकाने का किला, ठिकानों का किला कला। तो इसमें प्रमुख रूप से चार है आपकी, चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ उपशैली। अच्छा प्रश्न बनता कि कौन सी मेवाड़ से संबंधित हैं या नहीं ये सब। अब अपन देखते हैं मारवाड़। मारवाड़ से शैली से संबंधित हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घानेरा, रिया, भिना, जूनी आदि ठिकाना कला आदि ये। सॉरी, हाड़ौती शैली बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली, ये ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बनता है। अब अपन आगे देखते हैं ढूंढाड। ढूंढाड में कौन सी आती हैं? ढूंढाड में आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवराता, उनियारा उपशैली तथा जिलाए इस्तरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाने इसके अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ अपन राजस्थान के नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ दर्शाया गया शैली को, उपशैली को, उसके बाद में ठिकाना को, सांस्कृतिक केंद्र को, यहाँ वर्णन आपके किया गया। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये जिला मुख्यालय, ये शैली है, ये उपशैली है, ये ठिकाना है और ये सांस्कृतिक केंद्र है। अब अपन आगे बढ़ते हैं मेवाड़ की विस्तृत पढ़ते हैं। मेवाड़ शैली में राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। तो सबसे पहली शैली कौन सी है? मेवाड़ है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण है। 1260 में सबसे पहले श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सुरुणी ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण और तेज सिंह के समय, और इस ग्रंथ को चित्रित करने वाला कमल चंद्र था। कौन था? कमल चंद्र, ध्यान रखना। सॉरी, यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपाशनाशर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। ये देखो ये किससे संबंधित है, ये भी अच्छा प्रश्न है। डगलस बेरेट एवं बेलिस गे ने चोर पंचाल सिक्का शैली का उद्भव मेवाड़ से माना जाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। मराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह के काल 35 से 72। आगे देखते हैं, मैं बने चित्रों में भागवत पुराण परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। ये यहाँ से और किसकी करती है? नाना राम की। माना प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब अपन देखते हैं उदयपुर शैली। उदयपुर शैली अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड चित्र शैली का विकास अधिक हुआ। किसके समय? अमर सिंह के समय। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारद्दीन, किसने? निसारद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का श्रवण काल कहा जाता। किसका काल है? जगत सिंह प्रथम का। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। महाराणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहिबद्दीन और मनोहर थे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में
चित्तेरोरी ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सत्से, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा, लत्थी पे, कालीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख। तो आपको ऐसा पूछेंगे कि कालीला दमना कौन सी चित्रशैली से संबंधित हैं, तो आपको बताना है मेवाड़ से संबंधित। आगे अपन देखते हैं, मेवाड़ शैली में पुरुष आकृति, गठिली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा तथा स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीन आकृत आँखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिंगना कद, लुंगड़ी, घाघरे, कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, उसके बाद में पीले, हरे, सफ़ेद आदि रंगों का सूचक है। अब अपन देखते हैं नाथद्वारा। यहाँ मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, वंश संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नए अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली ब्रज शैली का सम्मिलित रूप है। कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो उदयपुर का और दूसरी कौन सी है? ब्रज, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखते हैं संवित रूप, आपको पूछेंगे उदयपुर तथा ब्रज शैली का संवित रूप कौन सी? नाथद्वारा। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़ों के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिशवाई के नाम से जाने जाते हैं। पिशवाई कौन सी चित्रशैली से? नाथद्वारा। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति है, गायों का मनोरम दृश्य है, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में संगन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता, कदली मतलब केले के वृक्षों की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण है, चतुर्भुज है, रामलिंग है, चंपालाल हैं, घासी राम है, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में नारायण, रामचंद्र, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम मिलता है। अच्छा प्रश्न है, क्या है कमला तथा इलायची किस शैली से संबंधित हैं? ये है नाथद्वारा से संबंधित। अच्छा प्रश्न है। अब अपन आगे देखते हैं देवगढ़। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास सुंडावट ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। तो ये अच्छा प्रश्न बन रहा, किसने किया था? द्वारकादास सुंडावत ने स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते। तो देवगढ़ के सामंत क्या कहलाते? 16वें क्या कहलाते हैं? उमराव। अच्छा प्रश्न है, कहलाते देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ का समय। इसमें किसका है? मारवाड़, जयपुर और मेवाड़। इसे प्रथम सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो अच्छा प्रश्न बन रहा है, किसके द्वारा? श्रीधर अंधारे। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बक्ता, बहुत अच्छा प्रश्न है, बक्ता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नग्गा, शोखा, बैजनाथ हैं। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राशि, ठाठ, बाठ। आगे अपन देखते हैं श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय। इसमें पीले रंग की प्रधानता, कौन सा रंग है? पीला रंग है, ध्यान रखना। इस शैली के भित्ति चित्र
अजारारी ओवरी मोतीमल आदि को देखने को मिलते, ये भी अच्छा। अब अपन देखते मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलत जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार सरंगधर का उल्लेख किया। किसका? सरंगधर का। अच्छा प्रश्न है, सरंगधर, ये ध्यान रखना। जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेष हमें प्रतिहारकालीन ओद नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। जैसलमेर भंडार से मिला 1060 में। वास 10 वैकाली का सूत्र सूर्णी और दूसरा है ओद नियुक्ति वृत्ति। यह मारवाड़ी साहित्यिक प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण है। अब अपन देखते हैं जोधपुर। अब अच्छा है, जोधपुर में मारवाड़ में कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण हमें सुखेलाव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते। सन 1610 में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में 10 में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ है और 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठ्ठलदास संपावत के लिए राग माला चित्रावली चित्रित की गई। इसके द्वारा वीरजी द्वारा लघु चित्रों में छोटे आकार की एक हरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक नया मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। कृष्ण चरित्र विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस शैली के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में सुमत मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर व प्राणवान चित्र बने, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में चित्रकार लालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इसके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। आगे देखते हैं अपन। महाराजा मानसिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को सर्व उत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अब देखो डालचंद आ गया, आगे कौन सा है? अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास आदि इत्यादि प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का सर्व उत्कर्ष देखा जाता है। आगे अपन देखते हैं मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेम आख्यान प्रधान विषय। इन प्रेम आख्यानों में ढोला मरवण, मूमल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिणी प्रसिद्ध रहे। देखो ये अच्छे प्रश्न बनते हैं, यहाँ ये दो दो का जोड़ा है, प्रेम आख्यान है। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलमुच्छ ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्र आभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी, लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखों और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बहुल्य, कौन से रंग का है? लाल पीले रंग का बहुल्य। जो स्थानीय विशेषताएं, प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है। अब देखते हैं बीकानेर में अपन देखते हैं बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राज सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण, कौन सा ग्रंथ है? भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राज सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आया, जिसमें उस्ताद अली और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ।
यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव है। अच्छा प्रश्न बनता है, एक मैथेरन पारस्परिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के बने चित्र बनाने में सिद्ध हस्ते हैं। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल है। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण उस्त कला विकसित की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्त कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय में प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल अलीर जी असन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं संस्कृत हिंदी राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली सर्व उत्कर्ष थी। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने उनकी रंगत अलग थी। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन नीले हरे और लाल बैंगनी जामुनी स्लेटी रंगों का प्रयोग सांझा और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां ऊंट हरिन बीकानेरी रनसन राजपूती संस्कृति की साफ विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद में बरसते बादल में सारस मिथुन की नैन अभिराम आकृतियां इस शैली की विशेषता है। फवारों दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ध्यान रखना बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। आगे अपन देखते हैं किशनगढ़। किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। किसने? किशन सिंह। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बोलता से हुआ। राजा सावन सिंह का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। सावन सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। उनके काव्य प्रेम गायन बणी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोर ध्वज नियाल चंद्र के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ी चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बणी ठनी को एरिड डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। भारत सरकार ने 1973 में बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। अच्छा प्रश्न बनता है, कभी कभी ऐसे हार्ड प्रश्न पूछते कब डाक टिकट जारी किया। 1973 इस शैली में पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नील सवि युक्त शरीर मोती जड़ी श्वेत या मूंग या पगड़ी उन्नत ललाट खंजन आकृत करणांत तथा खींचे विशाल अरुणाभ नयन नारी आकृति में तनवंगी लंबी गोरपूर्ण नकुली चिंबुक सुराहीदार गर्दन और उसके बाद में पतली कमर लंबी कमल पंखुड़ी सी आँखें चित्रित की गई। दूर दूर तक फैली झील उसमें केली करते हंस बतख सारस तैरती नौकाएं केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएँ प्रातकालीन संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बनीठनी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली की विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफेद गुलाबी और स्लेटी। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम सीताराम सूरध्वज मूलराज मोरध्वज नियालसन बदन सिंह रामनाथ स्वाई राम लाल लड़ी दास के नाम उल्लेखनीय। नाम ध्यान रखना। अब अपन देखते अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहां दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा वहां गांवों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिनाय सांवर मसूदा जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा को अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद सांवर का तेम्बे नांद का राम सिंह भाटी खारवा से जालजी नारायण भाटी मसूदा से माधोजी एवं राम अजमेर के अल्लाबख्श उष्णा साहिबा स्त्री। अच्छा प्रश्न है, साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय।
जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यहाँ एक ऐसी कलम रही जिसने हिंदू मुस्लिम और ईसाई धर्म को सम्मान परिचय दिया। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किलों के भित्ति चित्र में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकार अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल हरराज अक्षय सिंह मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र क्या है? मूमल। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल तथा जोधपुर दोनों का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में घानेराव एक प्रमुख ठिकाना। चित्रकार नारायणा सज्जू कृपाराम नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे घानेराव को मारवाड़ की एक उप शैली के रूप में महत्व दिया जा सके। हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली के बारे में देखते हैं अपन। चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रभु बूंदी कोटा झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी कोटा झालावाड़ शैली को हाड़ौती कहा जाता है। ये तीन शैली क्या कहलाती? हाड़ौती। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालय में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुसाल छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने रंगमहल बनाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनुरूप सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव उमेश सिंह के समय में हुआ था। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखें। चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह का जंगली सूर का शिकार करते हुए चित्र भी प्रसिद्ध है। राजा उमेश सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों जलाशय आदि के चित्रण की बहुलता देखी। अच्छा प्रश्न है, पशु पक्षी शैली बूंदी। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोल आकृत, शिबू पीछे की ओर झुकी छोटी होती हैं। आकाश में उमड़ते हुए काले कज हरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष कैसे हैं, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर, कालाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी, लाल हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिणी नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारह माशा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्राधार रहे। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम मुख्य थे, ये ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कोटा। कोटा शैली के बारे में देखते हैं तो कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राम सिंह को दिया जाता है। आगे देखते हैं, राम सिंह को दिया जाता है। उसके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय, कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय दिखाई देता है। कोटा शैली का सर्वोत्कर्ष उमेश सिंह, ध्यान रखना, उमेश सिंह के शासनकाल समय में हुआ। कोटा के मुछवीर खाने के कलाकारों ने भित्तियों एवं बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ,
जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकार अपन देखते हैं तो यहाँ देखो रघुनाथ, गोविंद दास, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ। पीन, अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अल कावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करते। पुरुष आकृति में वर्षभ कंधे, उन्नत भुहें, माशल दे, मुख पर भरी भरी दाढ़ी, मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण सभी के चांद चार सांद लगाते। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुता से प्रयोग हुआ है। अब अपन देखते हैं झालावाड़। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना भी शेष। अब अपन देखते हैं ढूंढाड़ में पहली है आमेर। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख हैं। इस समय में बनी रज्जवनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई। ये देखो क्या सूरत खाना जयपुर से प्रसिद्ध है। इसमें 169 बड़े अक्षरों के चित्र हैं। जयपुर के चित्रकारों भी उल्लेख मिलता। विराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण है सरण मिर्जा राजा जयसिंह के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों से अलंकरणों से सुसज्जित है। गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह। अब अपन देखते हैं जयपुर। महाराजा स्वाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी। कितने? 36, जिसमें सूरत खाना भी एक हैं। यह चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे यहाँ पर सूरत खाना। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारह माशा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। किसके समय? ईश्वरी सिंह के समय। इसके समय साहिब राम और लाल चंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम बड़े व्यक्ति आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लाल चंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए थे। किसने बनाए? लाल चंद ने बनाए। अब अपन देखते हैं स्वाई माधव सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपका कर रीतिकालीन अलंकारिक मणि कुटियम प्रवृत्ति को बढ़ाया। स्वाई माधव सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्रमल, पुंडरी की हवेली कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चित्तेरा महाराजा स्वाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा स्वाई माधव सिंह के समय प्रमुख चित्रकार था लाल चित्तेरा। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के समय 50 से भी अधिक कलाकार सूरत कार्य में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिसमें राम सेवक, अच्छा प्रश्न है, राम सेवक, गोपाल हुक्मा, उसके बाद में यहाँ अपन देखते हैं शालिग्राम, चिमना, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग तंगिणी बारहमासा, राग रागिणी बारहमासा आदि का चित्रण प्रधान हुआ। महाराजा स्वाई राम सिंह की कला के विकास में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन
1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना। किसने स्थापित की? राम सिंह। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण जयपुर कलाकारों ने मुगलों के प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफा सत और रगों की लोकलात्मक को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेषता पद्धति, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, उसके बाद में अराइस तथा मेरा कशी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्लास्टर को घोटकर चिकना कर दिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ था। कछुआ मुगल संबंधों का प्रभाव है। उसके बाद में जयपुर शैली का प्रादुर्भाव ईसरदास, शिवाड़, जिलाए, उनियारा, सोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिससे ठिकाना पेंटिंग विकसित हुई। आगे देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 में जयपुर के अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। किसके समय? प्रताप सिंह के समय। उसके बाद में उसके शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। शिव कुमार और डालू राम। राजगढ़ के किलों में शीश महल में अंकित भित्ति चित्र इन्हीं के समय बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चित्र थे। अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम उसके राज्य के प्रमुख चित्र थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों में जंगल से धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखान का एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1,00,000 रुपये व्यय। इसके चित्र बलदेव तथा गुलाम अली ने बनाए थे। किसने बनाए? बलदेव तथा गुलाम अली। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बख्शाराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लिपटवा पट चित्रों का निर्माण करवाया था। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद उदयराम ने विशेष हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल, राजस्थानी, विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई वेणियां, अत्यधिक परिश्रम में बनाए गए अंग प्रत्यय अलवर शैली की विशेषता। अपनी विशेषताएं वेश्याओं के चित्र के और अलवर शैली में। अच्छा प्रश्न है, वेश्या अलवर से संबंधित। सुंदर बेलूवट वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता। उनियारा नरु का ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। राव सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय दिया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्र उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का सम्मिलित विकास है ये दोनों का। अब है अपन शेखावटी के भित्ति चित्र। इसके बाद में लोक कला के बारे में अपन कल पढ़े। शेखावटी के भित्ति चित्र हैं। जयपुर शैली में भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावटी के
श्रेष्ठ जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रचय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिशव आदि स्थानों की भित्ति चित्रण का अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चोपदारों, चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन, इन हवेलियों की विशेषताएं, छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चित्तौरों ने अपने सूझबूझ के अनुसार मल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, दोहर गो दोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, उसके बाद में काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन है। हवेलियों की बाह्य दीवारों पर अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कथई नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण हो रहा। फ्रांस के नलिनशा प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की। अब अपने लोक कला के बारे में बाद में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।